नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। अंबेडकर जयंती पर बीजापुर में आयुष्मान भारत की नींव रखने पहुंचे पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ तो पीएम मोदी ने आजादी के इतने सालों बाद भी बीजापुर के पिछड़ेपन को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर की तारीफ कर दलित समुदाय की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि आज अगर एक गरीब माँ का बेटा और अति पिछड़े तबके से आने के बावजूद वह पीएम है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। पीएम ने खुद को जोड़ते हुए अंबेडकर जयंती पर दलित समुदाय को भरोसे में लेने की पूरी कोशिश की। आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग के लिए बीजापुर पहुंचे पीएम ने अंबेडकर की 127वीं जयंती पर विपक्षी हमले का भी करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण को शुरू किया गया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। देश की हर बड़ी पंचायत में लगभग 1.5 लाख जगहों पर सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। आज के दिन आप सभी के बीच आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिलना मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा साहब का अंबेडकर की जन्म जयंती पर आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।